yoga guru Manisha Kohli. Thank you so much for coming to our studios. She's going to be demonstrating some simple yoga poses and some asanas, something that all of us can do, Manisha, to deal with the problems that we all face in our everyday lives, thanks to our pathetic lifestyles. I'll just come back to you in a moment from now, but let's listen in fact to yoga guru Ramdev. In fact, he was with us in the studios earlier, but I asked him about certain yoga asanas that everyone can do, and this again has got to do with the regular problems and the most common problems that many of us face. This includes backache, this includes problems like constipation, gut health issues. Here's what he said. बाबा जी, पूछना चाहूंगी मैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे कहते हैं और इस तरह की बातें योगा डे के समय बोला जाता है कि योगा कोई साइंस नहीं है, इस पे कोई एविडेंस नहीं है. आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको साइंस की जरूरत नहीं है, वो लाभ खुद से देखते हैं. जैसे मैंने लाभ देखा है, जरूरत नहीं की बात नहीं. देखो स्नेहा जी, मैं इसको अपोज करूंगा कि जो लोग ये बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, मिथ भ्रांति फैलाते हैं कि योग में साइंस नहीं है. हमने 5000 से ज्यादा प्रोटोकॉल फॉलो करके जी. 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर, करीब उसमें 150 से ज्यादा तो योग पर ही है, बाकी आयुर्वेद के ऊपर है. तो योग आयुर्वेद को जो सूडो साइंस बोलते थे, उसको जो है अनसाइंटिफिक कहते थे, उससे बड़ा कोई झूठ नहीं है. दरअसल पूरी वर्ल्ड में एक पूरा ड्रग माफिया है, एक मेडिकल माफिया है, एक रिलीजियस माफिया, जो कहने की एलोपैथिक मेडिसिन्स में ही सब चीज का सलूशन है, योग मेडिटेशन को, और कुछ इंटेलेक्चुअल माफिया उनको सपोर्ट करते हैं. हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारी प्रकृति और हमारी ये संस्कृति, और जो दुनिया भर में अभी मशहूर है, और इसके लाभ है, ये सुपर साइंस है. मैं तो कहता हूँ दिस इज साइंटिफिक एंड दिस इज बियॉन्ड साइंस, दिस इज सुपर साइंस. बाबा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स एफर्ट्स टू इन फैक्ट पॉपुलराइज योगा? दिस गवर्नमेंट हैज गॉन वॉक्ड एन एक्स्ट्रा माइल टू इंश्योर दैट योगा एक्चुअली बिकम्स अ हाउस होल्ड नेम, की घर घर में हर कोई जो है योगा करे, योग को समझे और उसके जो लाभ है वो उठाए. देखो, इस सरकार ने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, सनातन को, अपनी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, हमारे कल्चर को, हमारी विरासत को, उसको इन्होंने गौरव दिया है. बाकी तो देखो, योग को घर घर तक ले जाना ये हमारा उत्तरदायित्व, हम उसको लेकर के भी गए. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो ये सब व्रत लें, खाली एक दिन के लिए नहीं, घर से बाहर निकले, इंटरनेशनल योगा डे पर योगा को सेलिब्रेशन करने आगे, वो अच्छा है. हाँ, हर दिन योग, जैसे मैं 50 सालों से योग करता हूँ, एक दिन भी छोड़ा नहीं, सिंगल डे योग मिस नहीं किया. कुछ कुछ मिथ्स है योगा को लेकर, लोग कहते हैं कि आपका तो वेट लॉस कभी नहीं होना अगर आप योगा कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनको? मेरे इससे ज्यादा और लाइव एग्जांपल कौन होगा, 35 ईयर से ऐसा का ऐसा ही हूं. और एक करके देखो, कैलोरीज नहीं अच्छे से बर्न होती, ये कहते हैं बहुत अच्छे से बर्न जिम में अगर एक्सरसाइजेस करो तो वो ज्यादा बेटर है, जिम में नहीं कम होता ऐसे कहते हैं. मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं. मेरे पास एक बच्चा भी गया रोहन, दूसरा गया वैभव, आपके दिल्ली से 177 किलो का, बोले बाबा जी जिम में एक ग्राम भी वजन कम नहीं हो रहा था, यहाँ रोज एक एक किलो कम हो रहा है. लेकिन कैलोरीज जाहिर की फास्ट कीजिए ना. ये मूर्ख लोग हैं ऐसे जो बातें करते हैं. देखो मैं तो कहता हूँ, आप खाली डीप ब्रीदिंग करते हैं, विद इन मिनट 5000 to 10000 किलो कैलोरी बर्न करते हैं, विद इन मिनट 5000 to 10000 किलो कैलोरी. तो आपको योगा कैसे करना, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ योग को राइट वे में तो करना है, फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत काम आती है. ऑलराइट, एंड योगा गुरु रामदेव देयर स्पीकिंग विद मी अर्लियर, टॉकिंग अबाउट हाउ मनीषा इनफैक्ट योगा इज गुड इनफ टू बर्न कैलोरीज ही सेज. बट यू नो, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, एंड दैट्स रीजन आई आस्क दिस टू Guru Ramdev as well. Is going to a gym better or is yoga better, and can it even be compared, is, you know, to begin with? Okay, so I would say from my perspective, yes, there is no comparison between the two. Yes. What I feel yoga is a little bit more than just lifting weights and going to the gym or running on the treadmill. It's a lifestyle and it's a holistic approach to your health. Right. So you can club the two together, because I think both are important. Absolutely. And without yoga, it's going to be very difficult to actually have the mind-muscle connection, even in the gym. Right. So if you want to get good results from both, I think combine both if you enjoy them. Otherwise, I obviously swear by yoga. I think yoga has to be included if you want
a better posture, if you want to stand correct, if you want to sit down for longer, you want to be able to watch more movies, you want to be able to work more, and you want to live longer. So yoga is a must, and for that you can join the two together or just include some practices in your gym workout from yoga. So a little bit of gymming, weightlifting extremely important, and yoga for flexibility, definitely for improving our posture. But more than just posture, we do know that, Anisha, yoga, you know, helps in dealing with a lot of lifestyle related problems as well. So let's begin by talking about your gut health and constipation, which a lot of people face nowadays courtesy our food habits. So a simple few asanas to deal with that problem. Sure, we'll have to sit for that as well. Yes, sure. So gut health, basically, what I know is that our gut is our first brain, unlike what the brain we think. Yes. If your gut is well, you will actually be in a good mood. You will be able to live more fully. So gut health, because if you're sick, if you'll notice that you can only do something in life when you're not sick. Yeah. When you're sick, you just want to get well. Yeah. There is no dream, there is no aspiration, nothing. True. So for gut health, best way is that after eating your food, you can sit in Vajrasana. Okay. So Vajrasana is basically you sit on top of your ankles. And if you can't sit like this, use a pillow and just sit on top. Okay. And then once you've eaten and taken about 30 minutes, you can do something called a frog pose. Okay. So here Mandukasana is basically you take your thumbs in, you close the fingers around it, you place it around your navel, take a deep breath in. Exhale and go forward. And you breathe here normally, but feel the pressure around your navel. This helps in digestion. It really helps with all the glands and organs. So your liver also gets impacted with this. It's beautiful to get anything which is undigested out of your life as well. Inhale, come back up. Exhale, forward. Inhale, come back. We can do this one more time and then we'll do something else. All right. Exhale, forward. It doesn't have to take very long. You can do this only for a few seconds. Just make sure that you're doing it mindfully. This is 30 minutes after you eat something, right? 30 minutes after you've eaten something. If you've had a big meal, if you've had small meals, just sit like this and just keep your fingers here, your hands up. And just sit here for about a minute. All right. So Vajrasana, good enough if you've had a small meal, or else do this. What is this asana called? This is Mandukasana. Okay, Mandukasana.